ओके, तो हम लोगों ने बैकलेस के अंदर देखा ब्रॉक लेसनर का ब्लड निकला, तो क्या ब्लड WWE के अंदर अब लीगल हो चुका है? क्योंकि भाई रिसेंट टाइम में इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ हमारे सेथ रॉलिंस अब कंफर्म चैंपियन बनने ही वाले हैं, ये कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट है इस वीडियो के अंदर। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले वीक का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, पिछले वीक का जो स्मैकडाउन का शो था मेरे ख्याल से WWE हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बकवास शो रहा होगा। वहीं अगर हम लोग व्यूअरशिप का बात करें तो 2.265 मिलियन के करीब व्यूअरशिप निकलकर सामने है पिछले वीक, जो कि अगर आप लोग राउंड करोगे तो 2.2 मिलियन के अप्रोक्स व्यूअरशिप निकलकर सामने, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा तो पिछले वीक का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमारे LWO फ्रैक्शन की थी, साथ ही साथ इंड भी LWO फ्रैक्शन की थी। तो भाई मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा बकवास लगा था पिछले स्मैकडाउन का। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक्चुअली बैकलैश जो पेपर व्यू होने वाला था उसके अंदर मेन इवेंट एक्चुअली बैड बनी और डेमन प्रिस्ट का मैच करने वाला, और ऐसा WWE वाले का स्टार्टिंग में प्लान था, ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले आपको बताया भी था। और इसके पीछे एक और रीजन ये था कि आपने देखा बहुत सारे सरप्राइज आपको एंट्रेंस देखने को मिला था एक्चुअली इस मैच के अंदर, तो इसलिए WWE वाले इसको मेन इवेंट के अंदर कंसीडर किया। बाद में प्लान में कुछ चेंज होगा, उसके बाद ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एक्चुअली मेन इवेंट किया। नेक्स्ट हम बात करते अपने ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बारे में, जिसके अंदर एक्चुअली आपको ब्लड देखने को मिला, और एक्चुअली WWE के अंदर ब्लड जो है करेंट टाइम में बैन है। भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब आपको शायद ब्लड देखने को मिल सकता है WWE के अंदर और भी आगे आने वाले मैचेस के अंदर। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब WWE कंपनी जब UFC के साथ जब मर्ज हुआ तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में बहुत सारा चीज चेंज एक्चुअली किया गया। आपको पता ही होगा UFC के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा ब्लड देखने को मिलता है, हर एक मैच के अंदर ही वहाँ ब्लड देखने को मिलता है। आप लोग अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि WWE के कुछ मैचेस के अंदर आपको ब्लड देखने को मिलने वाला है, बहुत सारे मैचेस के अंदर नहीं पर हाँ कुछ मैचेस के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। वैसे ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के राइवलरी के बारे में आपको बता रहा हूँ, करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली इनका जो राइवलरी अभी बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अभी मल्टीपल ऑफ मैचेस देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच, इसीलिए ये बताया जा रहा है कल जो मैच होने वाला टूर्नामेंट उसके अंदर सेमीफाइनल के अंदर जाने वाला हमारे कोडी रोड्स, साथ ही साथ इनके साथ सेथ रॉलिंस भी जाने वाला, इसीलिए हमें कल के शो के मेन इवेंट के अंदर हमें फिर से एक बार देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब इन दोनों का मैच हमें देखने को मिलेगा तो इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर आके कोडी रोड्स को हरवा सकते हैं इस मैच। बस भाई आप लोग कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड रहो, कल का मंडे नाइट रॉ बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। मैं आपको बता दूं WWE वाले कल के मंडे नाइट रॉ को इतना ज्यादा स्पेशल इसलिए बना रहे क्योंकि और भी USA के अंदर कोई गेम वगैरह होने वाला वही सेम टाइमिंग के ऊपर। आप देख भी सकते हो NBL और NHL का एक्चुअली मैच हो रहा है, तो इसलिए WWE वाले अपने व्यूअरशिप जो मंडे नाइट रॉ का है उसको मेंटेन करने के लिए इस पूरा टूर्नामेंट को मंडे नाइट रॉ के ऊपर करवा रहे हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बैकलैश जो पेपर व्यू हुआ है एक्चुअली उसको USA के अंदर जड़ा सा भी टेंशन नहीं मिला है। आप यह स्टैट यहाँ पर देख सकते हो, एक्चुअली सिर्फ 2 लाख लोग यहाँ पर बैकलैश के बारे में सर्च कर रहे थे, बाकी 3 मिलियन लोग बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स के बारे में सर्च कर रहे थे, UFC के बारे में 2 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए WWE वाले जो सारा चीज मंडे नाइट रॉ के ऊपर करवा रहे ताकि मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप जो है मेंटेन रहे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने केविन ओवंस के बारे में। भाई आज केविन ओवंस का बर्थडे है, तो भाई सारे लोग कमेंट से केविन ओवंस को जरूर से विश कर दीजिए। वैसे मुझे मॉर्निंग में नहीं पता था, नहीं तो मैं केविन ओवंस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाता जो कि आपको कल के दिन चैनल के ऊपर देखने को मिल जाने वाला। बस आप लोग सारे लोग केविन ओवंस को विश कर सकते हैं, कल मैं अपने चैनल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो केविन ओवंस को जरूर लेकर। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने ड्रू मैकइंटायर के बारे में। भाई रिसेंट हमें ड्रू मैकइंटायर के बारे में बहुत सारा बैड न्यूज निकलकर सामने आ रहा है। आपने अगर देखा होगा तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है हैवीवेट चैंपियंस वर्ल्ड के लिए, भाई इसमें भी एक्चुअली ड्रू मैकइंटायर को मेंशन नहीं किया गया। बहुत पहले ऐसा रिपोर्ट आया था कि भाई ड्रू मैकइंटायर को WWE वाले एक अच्छा पुश देने वाले हैं। रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग ड्रू मैकइंटायर और WWE कंपनी का रिलेशन एक्चुअली करंट टाइम में बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर का अब WWE कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा कचरा, 3 से 4 महीने होने वाला उसको ड्रू मैकइंटायर WWE कंपनी को छोड़कर जाने वाले। अगर आपको याद होगा तो 2019 के अंदर जब डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी छोड़े थे उसमें सेम चीज डीन एम्ब्रोस के साथ भी हुआ था, बॉबी लेसनर के साथ उनके साथ फ्यूड हुआ। वैसे भाई जब इस टूर्नामेंट के अंदर अब हमारे जो ड्रू मैकइंटायर नहीं है तो भाई 100% अब कंफर्म हो चुका कि ये टूर्नामेंट हमारे सेथ रॉलिंस से जीतने वाले। साथ ही साथ बहुत ज्यादा रूमर आ रहा था कि सोलो सिकोवा इस टूर्नामेंट के अंदर जाने वाले, उसके बाद सोलो सिकोवा चैंपियंस बेल्ट जीतकर उसके बाद रोमन रेंज को लाकर देने वाले। भाई आपने देखा कि सोलो सिकोवा को एक्चुअली इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर फीचर नहीं किया गया क्योंकि उनको पता था कि सोलो सिकोवा बीखी दिखाई देंगे इस पूरे टूर्नामेंट के, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट का ओवरऑल एक ही टारगेट है सेथ रॉलिंस को ही चैंपियन बनाना। रही कोडी रोड्स का बात, कोडी रोड्स इस टूर्नामेंट के अंदर इसीलिए आ रहा है ताकि कोडी रोड्स फिर से ब्रॉक लेसनर अटैक करें, उसके बाद कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का स्टोरी लाइन आगे बढ़े। वैसे आप लोगों को सिर्फ कल तक वेट करना क्योंकि कल मंडे नाइट रॉ फाइनली टूर्नामेंट हो जाने वाला, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि सबसे पहले पूरे यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर अपडेट देखने को आपको मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा।